कि वर्तमान समय में इतनी परेशानियां चल रही हैं, आप अपने को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या आयाम देंगे, कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं चैनल, आप लोगों के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का करता हूँ। मेरा नाम लियाकत प्रधान, ग्राम न्यामू के निवासी हूँ। और जो इन लोगों ने वहाँ के सीधे साधे सम्मानित आदमियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, माफियों को बचाए गए हैं, और हमारे जैसे आदमी, हम किसान के बेटे हैं, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते थे, उनके बीच रहते थे, हमारी आवाज को दबाने के लिए ये एमपी सिंह कोतवाल जो चरथावल से अब फिलहाल जिला शामली में है, इन लोगों ने हमारी आवाज दबाने का काम किया फर्जी मुकदमे लगाकर। ये मानवाधिकार से जांच हुई है, उसमें दोषी पाए गए हैं, ये भी दोषी पाए गए हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी वे भी दोषी पाए गए, बैंक द्वारा भी दोषी पाए गए फर्जी लोन में, और जमीन काश की पे भी कब्जा है, ग्राम समाज में भी कब्जा है, अब तक किसी भी कब्जा मुक्त नहीं कराया है। ये मामला इन लोगों का चला हुआ है, हमारी गाड़ी घोड़े भी इन्होंने फर्जी तरीके से गाड़ी नीलाम करी गई है। और इस लड़ाई को मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता से समर्थन मांगूंगा, और इस लड़ाई को प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी आंदोलन करूंगा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। और जब हमारी साथ गरीब आदमी तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकता, गरीब को दबा जाता है, उससे धन लूटा जाता है, ये एमपी सिंह एसओ का काम रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत बदतमीज, बहुत महामूरख है। एसएसपी श्यामली के संज्ञान में भी है कि उसने अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी सरकारी पिस्टल तान लिया था, तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ना अपने स्टाफ के प्रति है, ना सम्मानित आदमियों के प्रति है। मुझको तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाबा की सरकार में एसके भरत एसओ अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए, और उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया जो सरकार को बदनाम करा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। पर एक आरोप लगता है वर्तमान पूर्व की समाजवादी पार्टी जो है कहती है कि विशेष पे जो है वहम कर रहे हैं योगी जी, तो नहीं, क्या ऐसा नहीं मुमकिन है? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मुस्लिम हूँ और मुसलमान आता हूँ अपनी बिरादरी से, लेकिन मुझे इसी सरकार में इंसाफ भी मिला है और आगे भी मिलेगा, बहुत उम्मीद है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल बाबा का मकसद यह है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, जो गलत काम कर रहा है उसके लिए यहाँ बाबा के यहाँ कोई जगह नहीं है, और जो सही काम कर रहा है, ना हिंदू को दिक्कत है ना मुसलमान को दिक्कत है। और मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि हमको इंसाफ नहीं मिला, हमको इंसाफ मिला है और आगे भी इंसाफ मिलेगा, ये मुझको उम्मीद है और बाबा जी से भी उम्मीद है। और जो गुमराह किए हैं शासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए हैं, उस जमीन को लेकर हमारा सन 97 से मुकदमेबाजी आपस में चली हुई है। हम सरकारी जमीन को बचाते हैं, माफिया उसको कब्जा करते हैं, आज तक किसी ने कब्जा नहीं करा। ये एमपी सिंह जो कोतवाल वहां था, धन भी लूटा है, फर्जी उस जमीन पर लोन भी कराएगा, लोन वालों को कार्रवाई नहीं हुई है, और उनके बहुत बहुत जो है होंडी द्वारा, हवाले द्वारा, बहुत बड़े माफिया हैं वे लोग, ये उनका चेला है या उस्ताद है, ये तो समय आने पर बताया जाएगा कि क्या है। सबसे बड़ी बात एक हो रही है कि आयोग में भ्रष्ट अधिकारियों जो हैं बैठे थे, वे उन माफियों को लेकर अपनी जान बचा रहे हैं आयोग में कि देखो साहब इनका चोट लगी है, इनका ये हुआ है। ठीक है, उनका चोट कहाँ लगी है उसकी फुटेज में, लेकिन उसकी फुटेज नहीं दी गई है। चोट उनका नहर में एक्सीडेंट हुआ है, उनका नहर में लगा है, झगड़ा गांव में दिखाया है। हमारे ऊपर पहले 452 का मुकदमा दर्ज किया, फिर 307 का किया, और 13-13 साल पुराने फर्जी मामले किए, कोई प्रूफ नहीं पाया गया है। और मानव अधिकार की रिपोर्ट में एमपी सिंह कोतवाल और वे भ्रष्ट अधिकारी और माफिया दोषी ठहराए गए हैं, और बैंक द्वारा भी जो कर्मचारी हैं वे भी दोषी हैं। मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत जल्दी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मिलने के बाद भ्रष्ट अधिकारी और जो माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।